राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार पर साधा निशाना, किसानों की मौत पर सरकार को घेरा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सुरक्षा व्यवस्था पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहर के चप्पे चप्पे पर लगेंगे कैमरे, दिल्ली सीसीटीवी में बना नंबर वन। 16 दिसंबर को देहरादून जाएंगे राहुल गांधी, जनसभा को करेंगे संबोधित, आमजन की तैयारियां जो हैं तेज कर दी गई हैं। आगरा में बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले, स्वास्थ्य विभाग की सतर्क जांच जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को कंपनसेशन यानी कि मुआवजा देने की बात की है, साथ ही सरकार पर हमला भी बोला। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। नेशनल गवर्नमेंट किसानों को कंपनसेशन, जो हमारे 700 किसान भाइयों की मृत्यु हुई वो उनको कॉम्पनसेशन देने वाली है, हाँ या ना? और जवाब मिला था कि हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों के का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान, 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन। वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द किन ऑफ फार्मर्स हु डाइड ड्यूरिंग द सेड एजिटेशन, इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड इफ नॉट द रीजंस व्हाई। एंड द मिनिस्ट्री आंसर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज नो रिकॉर्ड इन द मैटर एंड हेंस द क्वेश्चन डज नॉट अराइज। रिकॉर्ड नहीं है तो कॉम्पनसेशन किसका? तो हमने थोड़ा काम किया। अब पंजाब की सरकार ने, पंजाब के सरकार के पास 403 नाम हैं, उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया है और 150 कितने 152 लोगों को हमने नौकरी दी है और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। मेरा कहना है कि जो 2-3 सबसे बड़े उद्योगपति प्रधानमंत्री के और सरकार के जो मित्र हैं उनके लिए ये कुछ भी कर देते हैं, जो भी करना होता है वो कर देते हैं, मगर जब किसान को जरूरत होती है, मजदूर को जरूरत होती है तो कहते हैं ये तो है ही नहीं लोग। मतलब इनका कहना है कि ये 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, ये तो है ही नहीं। तो किसानों की मांगे हैं, हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मगर ये मिनिमम कॉम्पनसेशन जो है ये तो मतलब मिनिमम रिस्पेक्ट की बात है, तो ये तो इनको एकदम कर देना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, माफ़ी मांगी है। किससे माफ़ी मांगी, क्यों माफ़ी मांगी? क्योंकि उन्होंने ये गलत कानून लागू करने की कोशिश की, उसके कारण 700 लोग मारे गए। तो आप एक तरफ कह रहे हो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जो 700 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई ये तो है ही नहीं। और लिस्ट पंजाब सरकार के पास है, बाकी लिस्ट यहाँ पड़ी हुई है, नाम ले दीजिए आप, मतलब फ़ोन नंबर्स भी हैं, प्राइम मिनिस्टर अगर डायरेक्टली कॉल करके चेक करना चाहें, मैं नाम भी बता देता हूँ, 2-3, तेज कौर, गुरजंत सिंह, धाना सिंह, दर्शन सिंह, फोन कर ले कि ये है या नहीं है, पता लग जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं माफी मांग रहा हूं। माफी क्यों मांगी, किस चीज के लिए माफी मांग रहे थे? माफी इसलिए मांग रहे थे कि उन्होंने ये जो 3 कानून लागू करे वो गलत थे। 3 कानून लागू किए इसीलिए तो किसान बाहर निकले थे। तो आपने अगर एक्सेप्ट किया है कि आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर आपको यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा
कि जो किसानों की मृत्यु हुई है वो भी आपकी जिम्मेदारी है और इसलिए आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। मान लो आप कहते हो कि ठीक है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तब भी हिंदुस्तान के 700 किसानों की मृत्यु हुई है। मैंने आपको अभी कहा कि पंजाब सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी मगर हमने कर दिया, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार अगर 700 लोगों को 25 लाख 30 लाख रुपए देना चाहे कोई ये बड़ी बात नहीं है, ये मतलब ह्यूमैनिटी के तौर पे ये दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव झांसी जिले में विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे। अखिलेश ने चीर गांव में राष्ट्र कवि मैथिली शरण कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार विकास को पीछे कर रही है, इनका विकास नाम बदलना और रंग बदलना है। अखिलेश ने कहा कि ये जहां भी जाते हैं वहां नाम बदल देते हैं और अच्छा हुआ कि वो चीर गांव नहीं आए, अगर बाबा मुख्यमंत्री यहाँ आए होते तो हो सकता है यहाँ का भी नया नाम रख देते। उसके अलावा अखिलेश ने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार का इंजन फेल हो चुका है और ये डबल इंजन की सरकार जो दावा करती है, डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड आते आते डबल इंजन सरकार का इंजन फेल हो गया। बताओ इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? हमारे किसान भाई जिन्हें भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, आय दोगुनी होगी, फसल की कीमत दोगुनी मिलेगी, हमारे किसान भाई बैठे होंगे, उनके बेटे हैं नौजवान खेती करने वाले, बताओ किस फसल की आपकी पैदावार की आय दोगुनी हो गई? किसी की कीमत मिली हो तो बता दो आप। कीमत तो दूर, जिस समय हमारे किसानों को खाद की जरूरत है लाइन में खड़े हैं लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। गोंडा में सरयू नहर खंड में एक बड़ा खेल सामने आया है जिसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे। दरअसल सरयू नहर खंड के जिम्मेदार अधिकारी के तरफ से हर साल ये दावा किया जाता है कि किसानों के हरे भरे फसल को सींचने के लिए किसानों को भरपूर पानी दिया जा रहा है, लेकिन ये दावे सिर्फ खोखले ही नजर आते हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि गोंडा में 55 नहरें हैं, वहीं इनमें से 45 नहरों से किसानों को खेतों में लगे फसल को सींचने के लिए पानी मिल रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। आपको बता दें कि जब हमारी टीम ने इस मामले की पड़ताल की तो पता चला कि अधिकारियों की ओर से हुए ये दावे केवल हवा हवाई थे। किसानों का कहना है कि लगभग 40 साल हो गए हैं नहर का निर्माण हुए और इन 40 साल में जब बरसात होती है तभी नहर में पानी रहता है और उस पानी से किसानों के लिए सिंचाई का एक स्रोत बनता है, उसके बाद से कभी नहरों के पानी की सिंचाई भी नहीं हो पाती है, इसीलिए प्रशासन की ओर से किए गए सभी वादे झूठे हैं। हमारे यहाँ कुल 55 नहरें में पानी का संचालन नहर निर्माण करके कराना था, जिसमें से 45 नहरों पे हमने पानी पहुंचा दिया है और 74,000 किसान लाभान्वित हुए हैं और 226 गांव के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। यूपी में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दल व्यापारियों को साधने में जुटे हुए हैं, जगह जगह व्यापारी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं इसी के चलते हरदोई के रस खान प्रेक्षा गृह में भी व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सूबे के नगर और शहरी विकास मंत्री आशुतोष, राज्य मंत्री महेश गुप्ता और बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने व्यापारियों को संबोधित किया। इस दौरान नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि देश मोदी सरकार में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से सब चर्चा करते थे कि हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो सकता, लोगों की यही मानसिकता थी, लेकिन अब सबकी ये मानसिकता है कि मोदी है तो मुमकिन है। हमने भाजपा से विश्वास का रिश्ता बनाया है तो फिर अविश्वास की बात कहां से पैदा होगी? ये जरूर तो लड़ाई है, बहुत अभिनेता निकल आए हैं इस समय। जब कोरोना हो रहा था तो कोई नहीं निकला था,
उस समय मुख्यमंत्री हम सब सिलेंडर का प्रबंध कर रहे थे अस्पतालों में बेड दिलाकर, तब वो लोग कहां थे जो लोग आज सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जब उनका पिछला कार्यकाल था तो कितनी बार माननीय न्यायालय ने इंगित किया और उन्होंने दुर्भावनाओं के साथ उनकी सरकार ने परीक्षाओं में हेरफेर किया था। ये हमारी सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जैसे ही पता लगा कि पेपर में कुछ लीक हुआ है, तुरंत उस पेपर को स्थगित किया गया और दोषियों को तुरंत जेल भेजा गया, गिरफ्तार किया गया और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है और छात्रों से बिना कोई शुल्क लिए जल्दी उनकी दूसरी परीक्षा कराई जाएगी। पहले जो था समाजवादी जमाने में बदमाश पुलिस पर आक्रमण करते और पुलिस असहाय हो जाती थी, इस शासन में अगर बदमाश पुलिस पर भारी और व्यापारी भारी करते हैं तो फिर पुलिस जो को अब इतना आत्मबल है उनके बदमाशों को। वहीं जालौन में नशे में धुत शराबियों का बीच बाजार हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां शराब के नशे में धुत दो युवक एक दूसरे से मारपीट कर रहे थे। वहीं नशे में दोनों युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो जालौन का यह पूरा मामला है, तस्वीरें आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से शराब के नशे में धुत दोनों ही युवक एक दूसरे को पीट रहे थे। हालांकि वहां पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने इन दोनों के बीच बीच बचाव करने की कोशिश की, हालांकि वहां पर किसी ने मौजूद इस घटना का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। सूबे की योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने का हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए चाहे सरकारी विद्यालयों की कायाकल्प करना हो या फिर शिक्षकों को प्रशिक्षित कर छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की कवायद हो, सरकार सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी हुई है। वहीं इसी के चलते योगी सरकार ने ECCE क्रियान्वयन कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों सहित कक्षा एक तक के सभी प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षित कर उनको प्री प्राइमरी सेंटरों के तौर पर परिवर्तित करने का काम कराया जा रहा है। आज इस प्रांगण में बीएससी प्रांगण में ECCE कार्यक्रम के तहत समस्त नोडल शिक्षक जो विद्यालय में कक्षा एक में पढ़ाते हैं और समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ जो आंगनवाड़ी केंद्र हमारे विद्यालयों में संचालित हैं या अन्य कई संचालित हैं, वहाँ पर प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन हेतु एक दिशा निर्देशों के बारे में चर्चा, सभी को प्री प्राइमरी जो अभी तक आंगनवाड़ी के रूप में चलते थे उनको बेसिक शिक्षा विभाग से जोड़ करके अब उनको जो है नए सिरे से उनमें जो है कक्षा शिक्षण किया जाएगा, कक्षाओं को तैयार किया जाएगा, बच्चों को तैयार किया जाएगा। कानपुर के नौबस्ता इलाके में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या से सनसनी मच गई। खबरों की माने तो मकान में महिला का शव बंधा पड़ा था। वहीं जानकारी के अनुसार वारदात के वक्त महिला घर में अकेली थी। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। नौबस्ता में जो है आज सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब में सूचना मिली थी, इनके भाई ने सूचना दी थी कि लक्ष्मी देवी कुशवाहा जो है उनका फ़ोन नहीं उठ रहा है। उसके बाद घर पे आके जब देखा तो उनकी बॉडी जो ग्राउंड फ्लोर पे है वहाँ पे हाथ बंधा हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी। इसी में जो है पूरे प्रकरण में अभी सीन ऑफ क्राइम में फॉरेंसिक यूनिट भी आई थी, हम लोग भी आए थे और इसमें अभी दो सस्पेक्ट्स को डिटेल्ड पूछताछ के लिए उठाया हुआ है और उनसे अभी पूछताछ होगी और इसका घटनाक्रम का अनावरण जल्दी किया है। अपने साथ सूत्रीय मांगों को लेकर NHM संघ पिछले दो दिनों से लगातार CMO कार्यालय पर धरना दे रहा है। अपनी बातें शासन से मनवाने के लिए ये प्रदर्शनकारी CMO कार्यालय में टेंट लगाकर NHM कर्मी धरना दे रहे हैं। कर्मियों का कहना है कि सरकार पिछले 5 सालों से उन्हें बस आश्वासन दे रही है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
कुशीनगर में कबीर आश्रम पर 80 साल की साध्वी जमुनी देवी की हत्या से सनसनी मच गई। वहीं इस हत्या के आरोपी परशुराम को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो कुशीनगर का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि साध्वी की हत्या से सनसनी इलाके में मच गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में परिवहन बस के कर्मचारी सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर मौजूद महिला बस कर्मचारी यात्रियों के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महिला कर्मचारी की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। मैनपुरी की दन्नाहार थाना क्षेत्र की पुलिस ने पिछले दिनों गायब हुए एक ट्रक में 28 टन बासमती चावल के गबन किए जाने की सूचना पर पुलिस ने ट्रक को माल सहित पकड़ लिया है। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, साथ ही पुलिस आरोपी पर कार्रवाई कर रही है। तो मैनपुरी का पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस के हाथ की बड़ी सफलता लगी है। गायब हुआ वह ट्रक पुलिस ने बरामद कर लिया है, साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 20 नवंबर को एक ट्रक लगभग 28 टन बासमती चावल लेकर दिल्ली के किसी गंतव्य पर रवाना हुआ। इसको 22 तारीख को पहुंच जाना चाहिए था, नहीं पहुंचा। भेजने वाले मालिक ने बताया कि साहब ये ट्रक नहीं पहुंचा, लगातार उन्होंने संपर्क किया, कोई संपर्क नहीं हो सका। इस सूचना पर इन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया, तभी से हमारी दन्नाहार की पुलिस इसमें लगी हुई थी। आज सकुशल ट्रक और ट्रक का ड्राइवर और पूरा माल 100% माल की बरामदगी करते हुए उस अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये माल लगभग 20 लाख रुपए का है। वहीं यूपी के पीलीभीत जनपद के थाना जहानाबाद क्षेत्र के सरदार नगर गांव में मामूली कहासुनी को लेकर दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिलाओं को भी लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी को ससुराल लेने गया था, इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, जो कि मारपीट में तब्दील हो गई, जिसका वीडियो किसी ने वहां पर बना लिया और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो तस्वीरें आप भी देख सकते हैं, पीलीभीत का पूरा मामला है, किस तरह से आपस में लोग एक दूसरे को मारते पीटते नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वहां पर महिलाओं को भी बेरहमी से पीटा जा रहा था। पीलीभीत में सपा में आवेदकों की होड़ मची हुई है। आपको बता दें कि जिले में चारों विधानसभाओं में अब तक कुल 60 से 70 आवेदन हो चुके हैं, जिसमें बरखेड़ा विधानसभा से अब तक कुल 16 से 20, पीलीभीत सदर विधानसभा से 20 से 22, बिसलपुर विधानसभा से 15 से 20 आवेदन आ चुके हैं। सहारनपुर में रेलवे पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां ट्रेन से यात्रियों का सामान सफाया करने वाले गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रेलवे पुलिस की ओर से चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत गठित टीम ने दो छात्र अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। उसको घर जाकर पता चलता है कि हमारे साथ कुछ हो गया, और इसके बाद ये अपना आसानी से उन्हीं के साथ या तो उतर जाते हैं या फिर जो है उसी में आगे ट्रेवल करते हैं ट्रेन में। तो इसमें विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि जो यात्री ट्रेनों में यात्रा करते हैं, उनको ये सावधानी रखनी चाहिए कि आसानी से किसी भी अपरिचित से घुलना मिलना नहीं चाहिए, और जब उतर रहे हों उस समय विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए अपने सामान के प्रति, और अपने सामान पर ही नज़र रखनी चाहिए, बजाय कोई कितना भी घेरे तो अपने सामान को अपने साथ लेके चलना चाहिए। तो कहाँ के रहने वाले हैं और कब से काम कर रहे हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं, और इनका काफ़ी पहले से इनसे बातचीत में निकल गया है कि ये काफ़ी पहले से ये काम कर रहे हैं इस तरह का, और बहुत सातिराना तरीके से बच के ये काम करते हैं, और इनके पुराने कुछ मामले हैं उसको भी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सहारनपुर स्टेशन पर कब से हैं ये लोग? और ये एक पर्टिकुलर स्टेशन पर नहीं करते, ये तो चलते हुए ट्रेनों में करते हैं, और इनका अपना अलग अलग रूट तय होता रहता है। ये लंबी दूरी तक भी जाते हैं, और अभी तो ये इनका कहना था कि हरियाणा से लेके और हम मुरादाबाद नजीबाबाद इस तरह के क्षेत्र में घूम रहे हैं।
सिद्धार्थनगर जिले में स्वास्थ्य विभाग के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल कर दी। आपको बता दें कि अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ये कर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं इन स्वास्थ्य कर्मियों के जिला अध्यक्षों का कहना है कि सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम संविदा कर्मी करते हैं, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग सरकार के से जो बहुत विगत कई सालों से संविदा पे कार्य करते चले आ रहे हैं, सरकार की सभी योजनाओं को धरातल फलीभूत ही संविदा कर्मचारी ही करा रहा है इस समय, जैसा आपको अवगत होंगे सभी लोग। और हम लोग 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना सीएमओ कार्यालय पर दे रहे हैं 30 तारीख से। ये जो NHM के कर्मचारी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, इनकी द्वारा दी हुई ज्ञापन के आधार पर प्रदेश भर में जो ज्ञापन दिया गया है, पर हमारे विभाग के इस महोदय का वक्तव्य शाम को आ गया और उनकी मुख्य सारी मांगों पर उन्होंने विचार करके सहमति दे दी है। तो इस तरह से ये धरना अवैध और अनुचित है। देश भर में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर संशय का वातावरण बना हुआ है। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के संविदा कर्मचारी अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार 4th दिन भी CMO कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल से चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ टीकाकरण पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हमारी देखिए 7 सूत्रीय मांगे हैं, जो है कि वेतन विसंगति, रिक्त पद पे स्थानांतरण और समान कार्य समान वेतन, और इस तरीके से 7 मांगे हैं। और जो है कि हमारे 30 तारीख से हमारा धरना चल रहा है, 29 तारीख को हमारी शासन में वार्ता हुई लेकिन वार्ता विफल रही। हम कोरोना काल में कार्य किए, हमारे साथी शहीद हुए, लेकिन सरकार कोई सूद हमारी नहीं ले रही है। और यदि हमारी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हम यह धरना अनवरत जारी रखेंगे। और आज कोविड पूरे प्रदेश में कोविड का वैक्सीनेशन और कोविड का सब कुछ पूरा ग्राफ जो है गिर चुका है, 0 पे आ चुका है। और सरकार लेकिन अभी जो है मानने के लिए तैयार नहीं। अभी हम आकस्मिक सेवा दे रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम ये आकस्मिक सेवा भी बंद कर देंगे, फिर त्राहि त्राहि हो जाएगा, जनता रोडों पर मरने के लिए विवश हो जाएगी। और इसकी जिम्मेदारी पूरा जो है उत्तर प्रदेश शासन की होगी, उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।